सभी को दिल से प्रणाम और हर हर महादेव। तो भैया ये लोग सभी एक ही ग्रुप के हैं और एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा भी देखिए। अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और ये जो लोग हैं बारिश में ही पूजा पाठ कर रहे हैं, और ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मंदिर में। और ये भैया सब देख सकते हैं बारिश में बैठे हुए भींग रहे हैं और सेल्फी वगैरह खींच रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं बाबा धाम में। तो दोस्तों अभी जो मंदिर है काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ कम है, जो भी आते हैं आराम से पूजा वूजा कर रहे हैं। ये देखिए अंकल जी गठबंधन कर रहे हैं, यहाँ का जो एक मुख्य पूजा है गठबंधन, जो कि काफ़ी लोग कराते हैं, इसको कराने में 350 रुपया, 51 रुपया, 1001 रुपया और कुछ भी आप दक्षिणा देकर करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस ये यहाँ का पूजा है और बहुत कोई करवाते हैं। महादेव मंदिर से पार्वती मंदिर तक गठजोड़ करवाते हैं और इसको पहले शिवजी मंदिर के ऊपर जाके बांधते हैं और नाम से संकल्प करके इस तरह पकड़ करके पार्वती मंदिर तक लाया जाता है। और फिर यहाँ से जो यहाँ का बेजू होता है, जो ग्वाला होता है, जो यहाँ का बेजू है, उसको लेके फिर मंदिर पार्वती मंदिर के ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ पे जो महादेव मंदिर और पार्वती मंदिर पे चढ़ते हैं वो बेजू का ही खानदान को होता है, इसके अलावा कोई नहीं चढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह ऊपर चढ़ेंगे और इसको बांधेंगे। ये देख सकते हैं एक बार में 4-5 बहुत कोई गठबंधन करवाते हैं, बहुत कोई जो फैमिली के साथ खास करके आते हैं वो लोग यहाँ पे बाबा का गठबंधन कराते हैं। ये देख सकते हैं भैया चढ़ने लगे हैं ऊपर, ऊपर चढ़ेंगे अभी ये गठबंधन को बांधेंगे। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं पार्वती मंदिर का लाइन जो है यहाँ से लग रहे हैं और थोड़ा सा भी भीड़ नहीं है एकदम, आज जो भी आते हैं आराम से पूजा वूजा कर रहे हैं। और ये जो है मेन मंदिर है शिव जी का, और ये ढोल वाले भैया हैं, यहाँ से ढोल बजाते हैं और जो भी जिसको खुशी होता है वो इन लोगों को देते हैं। अगर आप आते हैं तो प्लीज़ ये लोगों को मदद करें, ये लोगों की वजह से मंदिर में बहुत ही सुहाना लगता है और सुनसान नहीं लगता है, ढोल वगैरह बजता है तो मंदिर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ से देख सकते हैं बाबा का कुछ नज़ारा, और ये जो हॉल है यहाँ पे लाइन लगाया जाता है और इसी में हॉल में सभी को घुमाया जाता है। बहुत ही बड़ा हॉल है, एक ऊपर में है एक नीचे में है। अभी मैं आप लोगों को मंदिर के बाहर जाऊँगा और मार्केट का क्या हाल है वो चीज़ मैं बताऊँगा, किस तरह मार्केट में भीड़ भाड़ है। अभी मैं पश्चिम गेट की ओर जा रहा हूँ और यहीं से मैं अभी बाहर निकलूँगा। अभी देख सकते हैं मंदिर यहाँ से इस तरह दिखाया और ये पश्चिम गेट है, यहाँ मैं पश्चिम गेट से बाहर जाऊँगा। वो देखिए ये पश्चिम गेट लिखा हुआ है। ये मार्केट का नज़ारा है, कुछ कोई ख़ास नहीं है इस साल और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन भीड़ भाड़ बढ़ेगा सोमवार से, आपको वीडियो देखने को मिलेगा किस तरह मंदिर में भीड़ भाड़ जाएगा। और दुकान वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सज जाएगा, अभी साजा नहीं है ज़्यादा। और जो भी है देखिए ये पेड़ा है बाबा धाम का, बहुत ही फेमस है, अगर आप आए होंगे तो आपको पता होगा। और यहाँ का हरा चूड़ी जो है वो भी बहुत फेमस है, ये देखिए हरा चूड़ी है, ये भी बहुत फेमस है। तो आप लोग जब भी आए तो पेड़ा यहाँ का और हरा चूड़ी जब भी लीजिए, वो प्रसाद के रूप में माना जाता है। और बहुत कोई ऐसे लोग हैं जो कि घोरमोरा में पेड़ा लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन देवघर का भी पेड़ा बहुत अच्छा होता है। दोनों ही पेड़ा एक से एक होता है, लेकिन आपको किस क्वालिटी का लेना है वो सिर्फ आपको समझ होना चाहिए, पेड़ा का पहचान कीजिए। जिसमें चीनी कम हो वो पेड़ा लीजिएगा, थोड़ा काके देख लीजिएगा, खाने को मिलता है हर एक दुकान में। ये देख सकते हैं ये भी पूरा पेड़ा का दुकान है, आप देवघर में पेड़ा गली में अगर पेड़ा लेते हैं तो आपको अच्छा मिलेगा, और अदरवाइज कहीं पर हो सकता है अच्छा मिले बट उतना गारंटी नहीं है, लेकिन घोरमोरा में आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, ये चीज़ का गारंटी है। और इधर देख सकते हैं दुकान वगैरह अच्छा खासा सजा हुआ है, ये देखिए पेड़ा अच्छा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये जो फटा हुआ जो लगता है ये सब ओरिजिनल का पहचान है, इसमें चीनी कम होता है, और जो फटा हुआ नहीं रहता है उसमें चीनी का मात्रा ज़्यादा होता है, इसीलिए वो फटता नहीं है। और इधर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा लग रहा है बाज़ार में, लगता है कि निठाला का दिन भी इससे अच्छा था, निठाला में भी इससे अच्छा मार्केट था और सब कोई खुश थे, बट अभी तो और भी ज़्यादा कम। चंदन पेड़ा भंडार, बहुत सारा पेड़ा भंडार है, अब दुकान से किसी को पहचान नहीं सकते, एक ही नाम का 2-3 दुकान है बाबा मंदिर में,
अब शंकर सा, गंगा सा, ये सब खास करके मंदिर में बहुत सारा प्यारा दुकान मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दही, दही बहुत फेमस है, आप खा सकते हैं।